बुलंदशहर से रीशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाई प्रतिभा। बुलंदशहर में शिकारपुर नगर के मां भगवती इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के वर्किंग मॉडल बनाए। प्रदर्शनी में छात्रों ने अनुपयोगी वस्तुओं को प्रयोग में लाकर नए नए प्रकार के अद्भुत मॉडल तैयार किए। औद्योगिक व हरे भरे जंगल मॉडल आकर्षण के केंद्र रहे। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारम्भ मुख्य अतिथि डॉक्टर अंशु गुप्ता ने माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए और दीपक जलाकर व फीता काट कर किया। मॉडल का अवलोकन करते हुए निरीक्षण करने वाले अध्यापकों को छात्रों ने मॉडलों के बारे में बताया। अतिथि अनिल कुमार सिंघल, सुमन लता सिंघल, ललित गुप्ता व केसी गुप्ता ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों को सृजनात्मकता और उनके प्रयासों की प्रशंसा की। प्रदर्शनी देखने आए छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने छात्रों की प्रशंसा की। कॉलेज प्रधानाचार्य सतीश शर्मा ने कहा कि विज्ञान दुनिया को समझने तथा खोजबीन करने का एक सशक्त तरीका है। विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों को परीक्षण तथा उनके विश्लेषण करने के योग बन सके। स्कूल के प्रबंधक कपिल कुमार सिंघल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को करने से छात्र छात्राओं व उनके शिक्षकों के बीच वैज्ञानिक प्रकृति और रचनात्मकता की लहर का संचार होता है। आज नेशनल साइंस डे है, उसके उपलक्ष्य में विद्यालय द्वारा साइंस प्रदर्शन लगाई गई है। जी, लगाई गई है नेशनल साइंस डे के ऊपर लगाई गई। जो हमारे विद्यालय के टॉपर्स बच्चे हैं 2022-23 के हाई स्कूल इंटर में, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है जिससे उनका उत्साह बढ़ता रहे, आने वाले बच्चों का भी उत्साह बढ़ता रहे। इसमें लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। नई टेक्निक के आधार पर जैसे रोबोटिक्स के बारे में काफ़ी प्रोजेक्ट बच्चों ने रोबोट के लिए बनाए हैं, और चंद्रयान 3 और पार्लियामेंट, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं।